मथुरा के गोवर्धन में आज बसपा का प्रबुद्ध संगोष्ठी सम्मेलन होने जा रहा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे और गिरवर निकुंज में ये प्रबुद्ध संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की ये कोशिश है। तो आज से इसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। गोवर्धन के गिरवर निकुंज में प्रबुद्ध संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन है। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पूजा की जा रही है। जी हां, यहां बर्तन बाजार के व्यापारियों ने मिलकर सामूहिक रूप से भगवान चौमुखी महादेव के मंदिर में दीप जलाकर पूजा अर्चना की और प्रसाद बांटा। इस दौरान सभी व्यापारियों से अनुरोध भी किया गया कि वो कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हम ये कहना चाहेंगे सभी लोग, देखिए तीसरी लहर तो हमारे पास भटकेगी भी नहीं। जब हम लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तो तीसरी लहर आएगी नहीं। हमने आरती कर भगवान से प्रार्थना की है और हमें पूरी उम्मीद है कि तीसरी लहर की आशंका नहीं है भारत में। और अब खबर औरैया से, जहां बिजली न आने से आक्रोशित लोगों ने विद्युत उपकेंद्र कखावतु पावर हाउस में हंगामा किया। लोगों ने ऑन ड्यूटी कर्मचारियों से अभद्रता की। हालांकि कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में लिया गया। वहीं जय सुभाष चंद्र ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अब शिकायत की है। उनकी सप्लाई पिछले जो है 20 घंटे से बंद है, जिसके कारण से ये करियापुर निवासी ये छोटे बाबू पुत्र छुन्नू अपने लगभग 15 साथियों के साथ अज्ञात, उनके नाम मुझे नहीं पता, और आए और यहाँ पे सरकारी कागजात पटकने लगे, फाड़ने की कोशिश की और SSO को गाली दी और मुझे भी गाली देने लगे मेरी माँ बहन की। उसके बाद तुरंत उसके बाद बुलाया गया, दरोगा जी को फोन किया, तुरंत इन्होंने अपने टीम के साथ आए और उसके बाद इसी मामले में इनको तहरीर दिया। और अब बात बरेली की, जहाँ बारादरी थाना क्षेत्र के हाजियापुर इलाके में शहर के नामचीन सीमेंट कारोबारी के यहाँ GST और सेल्स टैक्स की टीम ने छापेमारी की। इसमें व्यापारियों में हड़कंप मच गया, तो छापेमारी की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल के तमाम व्यापारी नेता मौके पर पहुंच गए और छापेमारी का विरोध किया। इनका तरीका गलत था। हमारी एक बहुत ही बोनाफाइड फर्म है, ईमानदार टैक्स प्रदाता फर्म है, शहर में उनकी अपनी इज्जत है और ये GST के लोग जब आए तो इन्होंने आकर के ऑफिस में अफरा तफरी फैलाने का काम किया, रजिस्टर कागज छीनने का काम किया। उसको लेकर के जब हमें खबर मिली तो हम सारे लोग जो है फिर व्यापार मंडल पूरा इकट्ठा होकर के आया और हमने कहा आप SIB तो करें, आप सर्वे करें, जांच करें, जो चाहें सो करें, लेकिन बदतमीजी करने का अधिकार किसी प्रकार से नहीं होगा। तो हमें लग रहा था, हाँ वो हमें लग रहा था कि हमारे व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है, तो हमने बिल्कुल डांटना प्रारंभ किया अधिकारियों को कि भाई आपको किसने कह दिया कि आप हमारे व्यापारी से कागज़ छीनोगे, आप कागज़ मांगिए, आपको लगता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आप जो चाहें सो करें। और अब बात गाजियाबाद की, जहां इन दिनों पुलिस एक्शन में है, अपराधियों पर कहर बनकर पुलिस टूट रही है। इस घटनाक्रम में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें राहुल नाम का बदमाश गिरफ्तार हुआ। राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमे हैं और उसके पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस भी मिला।